ये आप ठीक नहीं कर रहे, अपने फैंस के साथ भी नहीं और अपने नर्सेस के साथ भी, थोड़ा सा तो कोऑपरेट आपको करना चाहिए। जब मेरी फैन नंबर वन मेरी परवाह किए बिना मुझे छोड़कर जा सकती है तो मैं किसी फैन या नर्स की परवाह क्यों करूं? उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। आपको चाहिए तो मैं कान भी पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, उठक बैठक कर लूंगी, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। रुको, कान मत पकड़ो, ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम बस मुर्गा बनो। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं मुर्गा नहीं बन सकती, मैं तो मुर्गी बनूंगी ना। ये क्या बात हुई, तुम मेरी सेक्रेटरी और खुद हंस रही हो, वो भी मुझे हंसाने के बदले। अरे लाफ्टर थेरेपी की जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। अरे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको देख के मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं टीचर हुआ करती थी। मैं भी स्ट्रिक्ट थी लेकिन मुझसे ज्यादा डिसिप्लिनेरियन तो आप हैं। मैं तुम्हें माफ करूंगा लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। कौन सी बात? यही कि जब तुम टीचर थी तब क्या क्या करती थी, मतलब मुझे तो अब जाकर पता चला है कि तुम टीचर भी थी। पता था आपको, आप भूल गए। भूल गया मतलब? क्या मतलब? बताया था मैंने आपको, आप भूल गए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ मत, मुझे याद दिलाने की कोशिश करो। थोड़ा तुम मुझे बताना, थोड़ा मैं याद करने की कोशिश कर लूंगा। थोड़ा क्या, मैं तो आपको सब कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। फिर मुझे छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं दिलानी पड़ेगी ना, सीडीज कहाँ रखी, रुमाल कहाँ रखा है, वॉलेट कहाँ रखा है, कुछ नहीं याद रहता आपको। तनु ये तो लगता है ये वापस और भी चार्ज होकर आई। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ याद दिला के छोड़ेगी। ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर इसने भाई को सब कुछ याद दिला दिया ना और अगर भाई को याद आ गया तो फिर तुम और मैं भाई की लाइफ में एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएंगे। आप बैठे मत रहिए, आप आराम कीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम से आराम से आराम से। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी माई इच्छा से